अपने एनेस्थेटिस को, ठीक है, देखना ट्यूब पकड़ाने से पहले कि कब जो है डिफिब्रिलेट हो, ठीक है, अगर पहले से इन्फ्लेट होगा तो वो इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो आपने ट्यूब पकड़ाई है, ऊपर से पकड़ानी, क्योंकि ये स्ट्राइल ट्यूब आती है, स्ट्राइल पैकिंग में ट्यूब आएगी, अगर आप इसको नीचे से छुओगे जो इंटरनल बॉडी में जाने वाला पार्ट, तो ये कंटामिनेटेड हो जाएगी, ठीक है, इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो आपने पकड़ाई ट्यूब, आपके एनेस्थेटिस्ट ने तो वैसे भी सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए हैं, स्टाइल ग्लव्स पहने, तो वो छू सकता है इसको जहां मर्जी से, ठीक है। अब वो इंसर्ट करेगा लैरिंगोस्कोप की मदद से, और इंसर्ट करने के बाद लैरिंगोस्कोप को बाहर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज लेट मोहन मिश्रा, आई एम द स्टूडेंट ऑफ 40 फ्रॉम इम्पैक्ट पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। तो जो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे है, ये हम 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन 1846 में डॉक्टर WTG मॉर्टन ने ईथर का यूज़ किया था, और उसे पब्लिकली डिमोन्स्ट्रेट किया था, जिसमें उन्होंने पेशेंट के जॉ के ट्यूमर को रिमूव किया था। तो उसका रिजल्ट ये देखा गया कि पेशेंट को सर्जरी के टाइम पे कोई पेन फील नहीं हुआ, तो इसलिए तब से आज तक हम एनेस्थीसिया का यूज़ कर रहे हैं। एनेस्थीसिया में नई नई चीज़ें आती चली गई, जैसे कि पहले के टाइम पे हम इथर यूज़ करते थे, और आज के टाइम पे हमारे पास डिफरेंट इनहेलेशन एजेंट्स है, डिफरेंट वेपराइजर्स है, डिफरेंट ड्रग्स है, डिफरेंट मेडिसिन है, और टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती चली जा रही है। तो हर एक वो पेशेंट जिसकी सर्जरी परफॉर्म होने वाली है, उसको इस एनेस्थीसिया के दौर से गुजरना ही पड़ता है। तो ये एनेस्थीसिया करता क्या है? एनेस्थीसिया हमारी बॉडी में पेन को रिलीव करता है, और हमारी मसल्स को रिलैक्स कर देता है, ताकि हमें कोई भी सेंसेशन फील ना हो। हमारे मोटर न्यूरॉन्स, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स को भी ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से हमें पेन या फिर कोई भी सेंसेशन फील नहीं होता। तो ये एनेस्थीसिया जो होता है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहला होता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया क्या करता है? ये हमारी बॉडी में रिवर्सिबल अनकॉन्शियसनेस कॉज करता है, जिसके वजह से पेशेंट को अपनी बॉडी में कंट्रोल नहीं होता, हमें अपने पेशेंट को बाहर से सपोर्ट करके रखना पड़ता है। पेशेंट की फुल बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है, और पैरालाइज टाइप जैसी हो जाती है। सेकेंड होता है रीजनल एनेस्थीसिया। तो जो रीजनल एनेस्थीसिया होता है, वो हमारे किसी रीजनल एरिया को ब्लॉक कर देता है, और ये रीजनल एनेस्थीसिया जो है, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे लोकल ब्लॉक, नर्व्स ब्लॉक, और उसके बाद सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक। अभी जो लोकल ब्लॉक है, ये किसी पार्टिकुलर एरिया या लोकल एरिया को ब्लॉक करने के लिए हम लोकल ब्लॉक का यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ फिर आता है नर्व्स ब्लॉक, जिसमें हम कोई अगर मेन नर्व होती है उसी को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं नर्व्स ब्लॉक। और अगला आता है सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक, जिसमें हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया और उसके साथ साथ एपिडुरल एनेस्थीसिया आता है, जो हम यूज़ करते हैं जो हमारी लोअर रीजन की सर्जरी होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड से नीचे वाली सर्जरी परफॉर्म की जाती है, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, इस एनेस्थीसिया को, स्पाइनल या फिर एपिडुरल एनेस्थीसिया को। और कोई भी अगर पेनलेस लेबर हो, तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एनेस्थीसिया जो, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सर्जरी पे, कि पेशेंट की सर्जरी कौन सी है, और या पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है, तभी हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं। तो थैंक यू।